हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज हम बनाने जा रहे हैं जलेबियाँ। जलेबियाँ बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी मैदा, पानी, ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, हाइड्रो यानी कि रंगकाट, फूड कलर और बेकिंग पाउडर। अब हम करते हैं जलेबियाँ बनाने स्टार्ट। सबसे पहले मैदे को एक मिक्सिंग बाउल में डाल लें, इसमें आप फूड कलर डाल के मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, उसके बाद हम इसमें ऐड करने लगे हैं हाइड्रो यानी कि रंगकाट। उसके बाद आप इसमें पानी ऐड करें और इसको मिलाते जाएं। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और इसको अच्छे से मिलाएं। हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और स्मूथ हो चुका है। आपको इस बैटर को तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसमें ये बबल्स ना आ जाएं और ये सॉफ्ट ना हो जाए बिल्कुल। इसके बाद आप इसको हाफ एन आवर के लिए रख दें। इसे हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक हम हमारी जो चाशनी है उसे कर लेते हैं रेडी। हमने 3 गिलास पानी के डाल दिए और आधा किलो के करीब इसमें हमने शुगर डाल देंगे। इसको हमने अच्छे से बना लेना है। ये चाशनी जो है इसमें हम 2 छोटे छोटे लेमन डाल देंगे, नींबू डाल देंगे, ताकि ये जो चाशनी है ये जमेगी नहीं इससे, और इसको स्टिर करते जाएंगे। देख सकते हैं जो हमारी चाशनी है वो बॉइल होने लगी है। अगर बाई चांस आपसे जो पानी है वो ज़्यादा बच रहा है, जैसे कि मुझसे पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो आप इसमें और शुगर ऐड कर सकते हो, उससे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी जो चीनी है वो थोड़ी सी गंदी है, मतलब उसमें डस्ट वगैरह है, तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दें, 2 स्पून। आप इसमें 2 स्पून मिल्क ऐड कर दें, उससे क्या होगा कि जो आपकी शुगर है, जो आपकी चाशनी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, उसकी जो गंदगी है वो सारी ऊपर आ जाएगी और आप उसको ऐसे करके उठा के फेंक सकते हैं। हमारी जो चीनी है वो साफ़ है, इसलिए मुझे इसमें मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर बाई चांस आपकी चीनी जो है वो उसमें थोड़ी डस्ट हो, तो आप इसमें मिल्क डाल के इसको साफ़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे जलेबियाँ। पहले आप एक पैन को गैस पे रख दें और इसको थोड़ा गर्म करने के बाद इसमें रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी ऑयल यूज़ करें।
जो ऑयल है इसको आपको पूरा तेज़ गर्म नहीं करना है, इसको आपको मीडियम गर्म करना है। अगर आप इसे तेज़ गर्म करेंगे तो जो आपकी जलेबी है वो फैल सकती हैं। अभी हमारा जो मिक्सचर है उसे हम एक पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। आप एक पॉलीथीन ले लें, उसे इस तरह से आप एक गिलास में डाल लें। आप इसके लिए कोई कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई बॉटल वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसके लिए एक पाइपिंग बैग यूज़ कर रहे हैं। पाइपिंग बैग बनाना बहुत ही ईजी है। आप इस पॉलीथीन को जस्ट इस ग्लास में डालें और जो मिक्सचर है उसे इसमें डाल दें। उसके बाद आप इसे आगे से कट कर लें, जितना भी आपको मतलब बारीक या थोड़ी मोटी रखनी है जलेबियाँ उसके अकॉर्डिंग आप इसको आगे से कट कर लें। नाल नाल कर दो हलवाई कर दो अंदर। हमारी जलेबियाँ बनके रेडी हैं। नोट करें कि हम कोई हलवाई नहीं है, इसलिए इसकी जो शेप है वो जैसी भी है इसे काम चलाना पड़ेगा।